तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि मास्टर जिंग को रिफाइनिंग टेक्निक सिखाना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन टच करने पर वो फर्नेस जिंग की पावर से बहुत ज्यादा हीट अप करने लगी थी, इसलिए मास्टर अब उसे पहले फायर कंट्रोल करना सिखाते हैं। तो अब इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो अब इस पार्ट की स्टार्टिंग पिछले पार्ट की बात से होती है, जिसमें हम देखते हैं कि मास्टर जिंग को फायर कंट्रोल सिखा रहे हैं और जिंग उन्हें देखकर थोड़ा सोच में है, क्योंकि ये सच में उसे टेक्निक को सीखना चाहता था। अब मास्टर उस फर्नेस को हवा में से वापस नीचे लाते हैं और जिंग से कहते हैं कि तुम भी एक बार कोशिश करके देखो। तो अब जिंग आगे बढ़ता है तो मास्टर उसे कहते हैं कि अगर तुम्हें समझ नहीं आया हो तो चिंता मत करना, मैं तुम्हें फिर से समझा सकता हूँ। लेकिन अब हम देखते हैं कि जिंग एक ही बार में उस फर्नेस को बिल्कुल सही तरीके से हवा में उठा लेता है। अब उसे देखकर मास्टर बहुत ज्यादा शॉक थे और कह रहे थे कि तुमने एक बार में ये कैसे कर लिया। दूसरी तरफ शियोन भी बहुत ज्यादा शॉक लग रहा था, सोच रहा था कि मास्टर को ये सीखने में कम से कम महीना भर लग गया और जिंग ने एक बार में इस टेक्निक को मास्टर कर लिया। फिर हम देखते हैं कि मास्टर जिंग के पास जाते हैं और अचानक से उस फर्नेस के चारों तरफ से एक होल में से फायर निकलने लगती है, जो कि शेप ऑफ फायर का साइन था। तो अब मास्टर शेप ऑफ फायर को देखकर जिंग से कहते हैं कि तुमने शेप ऑफ फायर टेक्निक को इतनी जल्दी सीख लिया, जबकि ये तो बहुत टफ है। तो अब जिंग उनसे कहता है कि शायद मास्टर मेरे अंदर ये टैलेंट पहले से था। फिर वो पूछता है कि क्या आप मुझे आगे की चीज सिखा सकते हो। तो मास्टर कहते हैं कि हाँ, क्यों नहीं। तो अब सेकंड चीज है हर्ब्स की नॉलेज। तो अब मास्टर फर्नेस के लिए कुछ चीजें सिलेक्ट करते हैं और उसमें डालने लगते हैं और फिर जिंग को बताते हैं कि तुम्हें हमेशा ये देखना होगा कि तुम फर्नेस के अंदर क्या चीज डाल रहे हो, ये सबसे ज्यादा मेन काम है। अगर तुम ऐसे ही कुछ भी डाल दोगे, कितनी चीजें भी डाल दोगे, तो कभी तुमसे इसे नहीं बना पाओगे। तो अब हम देखते हैं कि जिंग भी मास्टर की बातों को बिल्कुल ध्यान से सुन रहा था और समझ भी रहा था। फिर मास्टर उसे बताते हैं कि अपना तो फर्नेस में बाहर से फायर डालते हैं, लेकिन सामान तो अंदर रहता है, तो कैसे पता चलेगा कि तुम्हें कितनी फायर डालनी चाहिए। तो अब मास्टर उसे जवाब भी बताते हैं कि तुम्हें साइकिक पावर का इस्तेमाल करना होगा। जब तुम फर्नेस पर फायर डालते हो तो तुम्हें अंदर में मटेरियल पर ध्यान रखना होगा कि वो कितना हीटअप हो रहा है, और फिर धीरे धीरे हीटअप करने के बाद वो सब हर्ब्स अपने आप डिसॉल्व हो जाएंगे। अब मास्टर उसे समझा ही रहे थे कि इतने में फायर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, जिसकी वजह से वो फर्नेस ब्लास्ट कर जाती है। ये देखकर जिंग सोचता है कि ये क्या किया इन्होंने, क्या ये मुझे ऐसे रिफाइनिंग सिखाएंगे। तो अब मास्टर ही जिंग से कहने लगते हैं कि क्या तुम मेरी फायर कंट्रोल करने में मदद करोगे। तो अब जिंग उन्हें हाँ कर देता है और फिर अब जिंग की बारी थी मेडिसिन डालकर फर्नेस को ट्राई करने की। तो फिर वो कुछ हर्ब्स को उस फर्नेस के अंदर डालता है और हीट अप करना स्टार्ट कर देता है। अब कुछ देर बाद वो फर्नेस सही ढंग से काम करने लगी थी और हम देखते हैं कि वो जो हर्ब्स उसने डाली थी वो मास्टर की तरफ रिजॉल्व नहीं होती, बल्कि उनका सारा न्यूट्रिएंट्स बाहर निकल जाता है और एक गोल बॉल में बदल जाता है। अब मास्टर उस बॉल को बाहर निकाल लेते हैं और मन में सोचते हैं कि ये लड़का तो सच में कमाल है, इसे फायर कंट्रोल करना आता है, अब इस कारण से हमें बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। फिर मास्टर शियोन से कहने लगते हैं कि तुम सच में एक बहुत अच्छा रिफाइनर हमारे ढूंढ कर लाए हो। शियोन उसे थैंक यू कहने लगता है, जबकि वो तो जानता ही नहीं था कि जिंग एक रिफाइनर हो सकता है। अब मास्टर वापस जिंग के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एल्केमिक भी सिखा सकता हूँ। अब देखिए गाइस, जो रिफाइनिंग टेक्निक होती है उसमें अपने वेपन्स को या किसी मटेरियल को रिफाइन कर सकते हैं, लेकिन जो एल्केमिक टेक्निक होती है वो सिर्फ दवाइयों के बारे में होती है। तो अब मास्टर जिंग से कहते हैं कि ये टेक्निक बहुत अच्छी रहेगी, तुम इसे 3 महीने में सीख लोगी, या फिर मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद तुम इसे 1 महीने में ही सीख लोगे। तो अब जिंग उनसे कहता है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा, और फिर जिंग एक हाथ से फर्नेस को हीट अप करना स्टार्ट करता है और दूसरे में हर्ब्स डालता है। अब मास्टर से देखकर कहते हैं कि तुम्हारी याददाश्त सच में बहुत अच्छी है, तुम्हें अच्छे से याद है कि कौन सी दवाई कितनी डालनी है। अब जिंग उनकी बातों को गौर करता है, लेकिन अब उसे कोई भी गड़बड़ नहीं हो रही थी, इसलिए अब जिंग जानबूझकर हीटों को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से वो फर्नेस बहुत ज्यादा तेज हीटअप हो गई थी और फैलने लगती है। अब उसे देखकर शियोन डरकर एक जगह छिप जाता है, उसे लगता है कि फर्नेस तो अब फटने ही वाली है, लेकिन फिर मास्टर जिंग और उनके आगे एक शील्ड बना देते हैं जिससे जिंग और उनका कोई चोट ना लगे। और फिर वो मन में सोचते हैं कि मैंने गलत समझ लिया, अभी तो जिंग सच में सीख ही रहा है। लेकिन फिर जिंग अपनी हीट को कम कर देता है और उसे देखकर मास्टर तुरंत जिंग से पूछते हैं कि तुमने अचानक से हीट कम क्यों कर दी, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि तुम शायद पहले कभी इस चीज को ट्राई कर चुके हो। अब इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कर देना और चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।